नमो बुद्धाय साथियों, विश्व को शांति और करुणा का संदेश देने वाले विश्व गुरु महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसे आज मैं आपको बताऊंगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये एक बात है उस समय की जब भगवान बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ हुआ करते थे। वह एक विशाल राज्य के राजकुमार थे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी अचानक आसमान से घायल हंस नीचे गिरता है। राजकुमार सिद्धार्थ हंस के शरीर में चुभे हुए उस तीर को बाहर निकालते हैं और उसके घाव को पानी से साफ करते हैं। हंस को प्रेम पूर्वक उसके सिर को सहलाते हैं। हंस ठीक हो जाता है उनकी इस करुणा के भाव को देखकर। तभी अचानक वहाँ एक और राजकुमार आ जाता है। वह राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त होता है, जिसने हंस को तीर मारा था। वह राजकुमार सिद्धार्थ से उस हंस को देने के लिए कहता है कि हे सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, मैंने इसे तीर मारा है और मेरे ही तीर से यह ज़मीन पर आकर गिरा है। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ देवदत्त से कहते हैं कि हे देवदत्त, तुमने भले ही इस हंस को तीर मारा हो, लेकिन हंस अब मेरा है, क्योंकि मैंने ही इसके प्राणों की रक्षा की है और मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। लेकिन देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ की बात को नहीं मानते हैं। वह बार बार हंस को देने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ से कहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ भी उससे यही कहते हैं कि हंस अब मेरा है, क्योंकि मैंने ही इसके प्राणों की रक्षा की है। जब दोनों राजकुमारों में विवाद बढ़ जाता है तो यह विवाद महाराज शुद्धोदन के पास जाता है। महाराज शुद्धोदन दोनों से अपनी अपनी बात रखने को कहते हैं। सबसे पहले देवदत्त महाराज शुद्धोदन से कहता है कि हे महाराज, यह हंस जो सिद्धार्थ की गोद में है, यह हंस मेरा है, क्योंकि मैंने ही तीर मारकर इसको गिराया है और यह तीर इस बात का सबूत है कि यह हंस मेरा है। अब राजकुमार सिद्धार्थ महाराज शुद्धोदन से कहते हैं कि हे महाराज, यह हंस मेरा है, बेशक तीर देवदत्त ने मारा हो, लेकिन इसके प्राणों की रक्षा मेरे द्वारा हुई है। महाराज शुद्धोदन दोनों राजकुमारों की बात बड़े ही धैर्यपूर्वक शांति से सुन रहे थे। न्याय की अभिलाषा में दोनों राजकुमार महाराज शुद्धोदन की तरफ देखते हैं। महाराज शुद्धोदन अपना न्याय सुनाते हैं कि हे दोनों राजकुमारों, आप लोगों को ये बता दूं कि यह हंस अब राजकुमार सिद्धार्थ का है, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ ने इसके प्राणों की रक्षा की है और प्राणों की रक्षा करने वाला प्राण हरने वाले से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तुमने इस जीव को घायल जरूर किया, लेकिन तुम इसके अधिपत्य नहीं हो सकते। यह राजकुमार सिद्धार्थ का है और उन्हीं का रहेगा। तो दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ, देवदत्त और हंस की इस कहानी से साफ प्रेरणा मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इसी करुणा के भाव को, इन्हीं जीवों की हत्या को रोकने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ जब बुद्ध बने तो उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया। और पंचशील सिद्धांत में पहला सिद्धांत पाणाति पाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधयामी इन्होंने रखा, जिसका अर्थ होता है मैं जीव हिंसा, मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस तरह दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ करुणा, प्रेम, समानता और शांति की बातें करते करते भगवान बुद्ध बन गए। आज इस धरती पर भगवान बुद्ध को चाहने वाली पूरी दुनिया है। लोग उनके संदेशों को मानते हैं, उन्हें अपने जीवन जीने के तरीकों में आजमाते हैं। बुद्ध की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि वो सदैव कहते थे कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं आपको केवल मुक्ति का मार्ग दे सकता हूँ,
उस मार्ग पर आपको स्वयं ही चलकर अपनी मुक्ति करनी है। मैं केवल मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल वाला बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।